जोगी अपनी बेटी जैन को ढूंढते हुए एक स्मॉल टूरिस्ट टाउन पर आया था। जैन और उसके 5 और दोस्त पिछले 6 हफ्ते से मिसिंग थे। उनकी लास्ट लोकेशन यहीं पर थी। ये लोग एपलाचियन ट्रेल में हाइकिंग करने गए थे। आप लोगों को मैं बता दूं कि एपलाचियन ट्रेल या फिर एटी एक हाइकिंग वे है जो कि 3500 किलोमीटर लंबा है। ये एपलाचियन माउंटेन्स को कवर करता है और जंगल से भरे इन पहाड़ों पर हाइकिंग करने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर स्कॉट पुलिस को कंप्लेंट करता है बट पुलिस चीफ केस को सीरियसली नहीं लेता। वो यहाँ की लोकल होटल ओनर से बात करता है जिसमें ये फ्रेंड्स रुके थे, बट उस ओनर लेडी से भी बात करने के बाद भी स्कॉट को कोई हेल्प नहीं मिलती। बाद में वो लोकल बार में इंक्वायरी करता है जहाँ पर नेट रोड्स नाम का एक गाइड ये कहता है कि वो यहाँ पर आए थे, सबके सब अकड़ू थे। वो लोग एटी पर हाइकिंग करने के लिए गए थे बट वापस नहीं आए, एंड वहाँ पर जो कोई भी ट्रेल को छोड़कर घूमने जाता है वो वापस नहीं आता। वहाँ का नेचर काफी ज्यादा ब्रूटल है। स्कॉट फिर भी वहाँ पर जाने का डिसाइड करता है एज वहाँ पर उसकी बेटी जैन थी। अब कहानी 6 हफ्ते पहले शुरू होती है जहाँ पर जैन एंड डेरियस, एडम एंड मिया, लुइस एंड गैरी नाम के 6 दोस्त वर्जीनिया स्टेट के एक स्मॉल टाउन के अंदर आते हैं। ये लोग सेम होटल में चेक इन करते हैं एंड ओनर जैन को ये वार्न करती है कि सिर्फ हाइकिंग वे पर ही हाइक करना एज नेचर वहाँ पर कभी कभी बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है। लेटर ऑन ये लोग बार में ड्रिंक करने लगते हैं और यहाँ पर सेम गाइड यानी कि नेट इनको अपनी गाइडिंग सर्विस ऑफर करता है, बट ये लोग उससे रोड वे में पेश आते हैं। लेटर ऑन इनकी कार को एक आदमी चेक कर रहा था जिस पर एडम गुस्से से बात करके उसको गाली देता है और उस पर एक एम्प्टी बॉटल भी फेंक देता है। उस रात जैन अपने डैड को फोन करके अपनी लोकेशन भी बता देती है और इसी कारण से स्कॉट यहाँ पर प्रेजेंट में आया था। खैर, अगली मॉर्निंग जॉग करते टाइम जैन 2 लोकल यानी कि एडिथ एंड ड्रूथी से मिलती है, जहाँ पर एडिथ लोकली मेड रिस्ट बैंड्स को बना रही थी और बेच रही थी। जैन यहाँ पर अच्छे दिल की इंसान थी जिसके चलते वो एक बैंड को खरीद लेती है। लेटर ऑन सभी फ्रेंड्स हाइकिंग करने जाते हैं और नेचर को एंजॉय करते हैं। अब कुछ ही टाइम के बाद में डेरियस ये कहता है कि जंगल में पास में ही एक सिविल वॉर एरा का मॉन्यूमेंट है जहाँ पर जाकर हमको उसको देखना चाहिए। बाकी सब एग्री हो जाते हैं लेकिन जैन श्योर नहीं थी। वो ट्रेल से भटकना नहीं चाहती थी बट अपने बॉयफ्रेंड डेरियस के प्रेशर में आकर वो मान जाती है। ये लोग यहाँ पर एक गलत टर्न ले लेते हैं जो कि रॉन्ग टर्न साबित होता है, जो कि इस फिल्म का टाइटल है। अब ये लोग इस पहाड़ी के स्लोप में हाइक करते करते जा रहे थे कि तभी पेड़ का एक लट्ठा यानी कि एक लॉग ऊपर से फुल स्पीड में इनकी ओर आकर गिरने लगता है। सभी लोग इसे देखकर भागते हैं बट स्लोप स्टीप होने के कारण से एक एक करके गिर जाते हैं। सभी लोगों को यहाँ पर चोट आती है लेकिन गैरी की वहाँ पर मौत हो जाती है क्योंकि वो लट्ठा फुल मोमेंटम से आकर सीधा उसकी बॉडी को क्रश कर देता है। उसका बॉयफ्रेंड लुइस ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो रोने लगता है। वो इसकी गलती डेरियस पर डालता है। अब सभी लोग दुखी थे और ट्रेल की तरफ वापस लौटकर हेल्प लाने का डिसाइड करते हैं। वो पूरा दिन चलकर भी ट्रेल को नहीं ढूंढ पाते यानी कि वो खो गए थे। रात होती है, बारिश भी होने लगती है जिस कारण से ये जंगल में ही टेंट लगाकर कैंप करने लगते हैं। आधी रात को जैन बिजली कड़कने की आवाज से उठती है जहाँ पर उसे एक ब्लैक साया दिखाई देता है और अगली सुबह इनको ये पता लगता है कि ये ग्रेवयार्ड में सो रहे थे। वहाँ पर एक डिक्लेरेशन बोर्ड भी था जिसकी डेट थी November 24, 1859। नीचे टाउन में रह रही कुछ फैमिलीज ने अपनी प्रतिज्ञा द फाउंडेशन नामक एक कल्ट को दे दी थी। ये उस टाइम की बात है जब नॉर्थ एंड साउथ के स्टेट्स में वॉर होना पक्का था। इससे बचने के लिए कुछ फैमिलीज यहाँ पर जंगल में आकर रहने लगी थी। अब यहाँ पर हुआ ये था कि इन सबके मोबाइल फोन चोरी हो गए थे एंड मिया भी मिसिंग थी। एडम पैनिक में अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने जाता है जहाँ पर उसे रूथी दिखाई देती है यानी कि वही लोकल जो इनको पहले मिली थी। रूथी उसे देखते ही भागने लगती है। एडम उसके पीछे भागता है लेकिन उसका पैर एक ट्रैप चेन में फंस जाता है जो कि एडम को खींच कर एक ट्रैप होल में गिरा देता है। बाकी सभी फ्रेंड्स इस चीज को हॉरर में देखते रहते हैं बट कुछ भी नहीं कर पाते एज वो पिट काफी ज्यादा गहरी थी। जैन ये कहती है कि कोई हमें हंट कर रहा है इसलिए फौरन हमें यहाँ से निकल कर हेल्प लानी होगी। वो डेरियस एंड लुइस आगे बढ़ते हैं जहाँ पर इन्हें एक वीरान शेड दिखता है। वहाँ पर कई सारे हाइकर्स के फोन, ड्रेस, वेपन्स एंड बाकी सामान था यानी कि जो लोग इन्हें हंट कर रहे थे उनका ये वेस्ट बिन था। लेटर ऑन ये 2 मास्क पहने हुए आदमियों को देखते हैं जो कि एडम को उठाकर ले जा रहे थे। ये लोग वहाँ पर पड़े हुए वेपन्स को लेकर उन पर हमला करने जाते हैं। वो 2 मास्क पहने हुए आदमी दिखने में काफी क्रीपी लग रहे थे और यहाँ पर एक और खास बात थी कि वो किसी अनजान लैंग्वेज
वो बात कर रहे थे जो कि इनको समझ में नहीं आती। इसी बीच एडम को होश आ जाता है और वो पैनिक में वहाँ पर पड़ी हुई एक लकड़ी के लट्ठी से उस मास्क पहने हुए आदमी पर हमला करता है। वो उसके सर को फोड़ कर उसको मार डालता है जैसे कि वो कोई वाटरमेलन हो। अब इस भयानक नजारे को देखकर वो मास्क पहना हुआ दूसरा आदमी वहाँ से भाग जाता है। अब मिया वहाँ पर डरते हुए भाग कर आती है। वो यहाँ पर मॉर्निंग ड्यूटीज यानी कि नेचर्स कॉल के लिए गई थी कि तभी उसे ये दो मास्क पहने हुए आदमी दिखे, इसलिए वो वहाँ पर डर कर छुप गई थी। अब यहाँ पर जेन को एडम का ऐसा बिना वजह मर्डर करना अच्छा नहीं लगता, बट एडम इस चीज को जस्टिफाई कर देता है। ये लोग वापस ट्रेल को ढूंढने लगते हैं बट मास्क पहने हुए कई सारे आदमी इनको एक एक कर पकड़ने लगते हैं। उन्होंने जंगल के अंदर कई सारे ट्रैप्स बिछाए हुए थे जिसमें से एक में मिया गिर जाती है। उस पिट के अंदर नुकीले स्पाइक्स पर वो गिरती है जिससे कि वो मरने लगती है। एडम उसे देखकर हेल्प करने के बजाय वहाँ से भाग जाता है। मरने से पहले का ही प्यार था। खैर अब इन सबको मास्क पहने हुए आदमी पकड़ लेते हैं, विच वॉज वेरी सैड। नेक्स्ट हम जेन को एक पिट के अंदर देखते हैं जहाँ पर एडिथ उसे फूड एंड वाटर देती है और लेटर ऑन उसे और उसके बाकी फ्रेंड्स को अपने विलेज की तरफ वो ले जाते हैं। ये लोग फाउंडेशन के कल्ट को बिलोंग करते थे जो कि 1859 से इसी जंगल में रहते थे। वो बाहरी दुनिया से कॉन्टेक्ट नहीं रखते थे एंड बाहर के लोग यदि यहाँ पर आए तो वो उनको छोड़ते नहीं थे। ये जंगल इनका घर था। इन्होंने विलेज के अंदर एक कोर्ट भी बना रखा था जहाँ पर इनका ट्रायल होता है। विलेज का हेड होता है वेनेबल जो कि एक जज था। वो इन पर उस मास्क पहने हुए आदमी यानी कि जिसका नाम सैमुअल होता है उसके मर्डर का आरोप लगाता है। यहाँ पर एक आदमी हॉप्स ये कहता है कि मैं इन लोगों को टाउन से ही फॉलो कर रहा हूँ, ये बिल्कुल भी सिविलाइज्ड लोग नहीं है। इस आदमी ने मुझ पर बॉटल भी फेंकी थी और मुझको गालियाँ भी दी थी। यानी कि एडम ने कार के पास जिस आदमी को देखा था वो यही था। सैमुअल का भाई मॉर्गन जो मरते टाइम उसके साथ में था यानी कि वो दूसरा मास्क पहना हुआ आदमी जो भाग गया था, वो डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए एडम की ओर इशारा कर देता है। वेनेबल उनके सामने लाश को रखकर ये पूछता है कि क्या ये सही है और वो सिर्फ जेन को ही बोलने देता है। डैम यू वेनेबल। यहाँ पर जेन काफी ज्यादा डरी हुई थी तो वो झूठ बोल देती है कि एडम ने उसको नहीं मारा, बट उसी के पीछे रूथी खड़ी हुई थी जो कि ये बोलती है कि उसने ये सब देखा है और एडम की ओर वो इशारा कर देती है। एडम उन सबसे पैनिक में आकर रूथी को पकड़ कर उसे मारने की धमकी देता है। उन सबको वहाँ से जाने देने के लिए भी बोलता है बट इट वॉज टू लेट। रूथी अपने आप को बचा कर एडम को पकड़वा देती है। अब वेनेबल एडम को डेथ सेंटेंस देता है एंड बाकी लोगों को ये झूठ बोलने के लिए डार्कनेस में डालने के लिए बोलता है, यानी कि बेसिकली ये इन लोगों को अंधा कर जेल में डालने वाले थे। अब अगले ही सीन में वेनेबल एडम को उसी तरह मारता है जैसे कि उसने सैमुअल को मारा था। लुईस इस चीज को देखकर भागने की कोशिश करता है बट फाउंडेशन के लोग उसको अंधा बना देते हैं। अब जेन यहाँ पर एक फाइनल कोशिश के तहत एक ऑफर प्रपोज करती है, वो और डेरियस यहीं पर लाइफ लॉन्ग रहेंगे एंड फाउंडेशन की मदद करेंगे। जेन ये बोलते हैं कि डेरियस रिन्यूएबल एनर्जी कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल एनर्जी फील्ड में था जो कि इस टाइनी कम्युनिटी को यूजफुल बना सकता है। और जेन यहाँ पर अपने आप को एक बेबी मेकिंग बॉडी की तरह पेश करती है क्योंकि उसने ये बात जान ली थी कि वेनेबल उसकी तरफ अट्रैक्टेड है। लेकिन वेनेबल यहाँ पर एक ही कंडीशन पर बात मानता है कि यदि वो यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे तो वो उन्हें जान से मार देंगे। अब इनको वो फाउंडेशन की सिटीजनशिप दे देते हैं। वेनेबल जेन को एज अ वाइफ एक्सेप्ट कर लेता है। एज उसकी खुद की वाइफ कई साल पहले मर गई थी एंड यू नो नीड्स तो होती ही है। जेन भी इस चीज को एक्सेप्ट करके उसके साथ में इंटीमेट होने लगती है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में स्टार्ट होती है जहाँ पर स्कॉट जेन को ढूंढते हुए हाइकिंग पर जाने वाला था। होटल ओनर फाइनली उसे फाउंडेशन की सच्चाई बताते हुए ये कहती है कि तुम्हारी बेटी शायद मर चुकी है, यदि तुम वहाँ पर गए तो तुम भी मारे जाओगे, वो हमको परेशान नहीं करते एंड हम उनको। लेटर ऑन नेट एंड उसके फ्रेंड स्कॉट को पीट कर उसे टाउन को छोड़कर जाने के लिए कहते हैं। पुलिस चीफ भी इन सभी चीजों में मिला हुआ था और वो इस पिटाई को देखकर अनदेखा कर देता है। टाउन के लोग किसी भी हालत में स्कॉट को भगाना चाहते थे बट स्कॉट नहीं मानता एंड अगले ही सुबह वो अकेले ही हाइकिंग पर चला जाता है। फाइनली होटल ओनर उसके साथ में अपने नेफ्यू एड एंड उसके फ्रेंड कूपर को भी भेजती है एज अ गाइड। एड ये कहता है कि जंगल के अंदर कई सारे ट्रैप्स हैं एंड उनसे हमको बचना होगा, लेकिन तभी कूपर ऐसे ही एक पिट में गिर जाता है जिसे बचाने के चक्कर में एड का पैर ट्रैप से लगता है एंड उस पर नुकीले स्पाइक्स गिर जाते हैं एंड यहाँ पर एड और कूपर दोनों ही मारे जाते हैं। अब स्कॉट अकेले ही हाइकिंग करता है एंड कुछ ही टाइम बाद पकड़ा जाता है। उसको अब फाउंडेशन में लाया जाता है जहाँ पर जेन उसके साथ आने पर
मना कर देती है। वेनेबल उसको ट्रेसपासिंग करने के लिए डार्कनेस की सजा देता है, यानी कि वही अंधा करके जेल में डालने वाली बात। बट आधी रात को जेन चुपके से स्कॉट के पास में आकर उसको बचाने लगती है। वो डेरियस को भी आने के लिए कहती है बट वो मना कर देता है। रूथ जेन एंड स्कॉट को भागते हुए देखती है बट वो उनकी हेल्प करती है, यानी कि वो भी यहाँ पर रहना नहीं चाहती थी। अब ट्रायल रूम के अंदर छुपे हुए एक सीक्रेट वे को दिखाती है जो कि बेसिकली डार्क वे था, जिसके अंदर फाउंडेशन ने कई सारे लोगों को अंधा करके कैद कर दिया था। वो ज़ॉम्बीज की तरह ही वहाँ पर जी रहे थे। अब वहाँ पर लुइस भी था जिसको जेन मर्सी किल देती है, यानी कि उसको उसके दर्द से आजाद कर देती है। बाद में वहाँ पर सबसे पहले उन पर एडिथ हमला करती है, लेटर ऑन हॉब्स भी अटैक करता है, वो दोनों को ही मार देती है। अब वो और स्कॉट जंगल से भागकर ट्रेल वे तक आते हैं, जहाँ पर नेट अपने गन एंड फ्रेंड्स के साथ में खड़ा हुआ था। नेट यहाँ पर स्कॉट से ये कहता है कि मेरा भांजा इसी वुड्स में 6 साल पहले गुम हो गया था और मैंने तुम पर इसलिए हमला किया ताकि तुम्हारे साथ भी सेम चीज ना हो। ये लोग किसी को भी नहीं छोड़ते। तभी फाउंडेशन के कई सारे लोग इन पर हमला करने आते हैं, जिन्हें नेट गोलियों से उड़ा देता है। वो स्कॉट एंड जेन की जान बचाकर उनको टाउन में लाता है। अब यहाँ पर कुछ महीने बीत जाते हैं और वेनेबल एंड रूथी जेन के घर आते हैं। वो जेन की स्टेप मदर को झूठ बोलता है कि वो उनके नए पड़ोसी हैं एंड वो बिजनेस के सिलसिले में यहाँ पर आए हैं। अब जेन जब जॉब से घर आती है तो वो वेनेबल को देखकर शॉक में आ जाती है। वो अब उसके बच्चे से प्रेग्नेंट थी, जिसे वो भी नोटिस करता है। जेन यहाँ पर स्मार्टली अपने स्टेप मॉम एंड ब्रदर्स को दूसरे रूम में भेज देती है। स्कॉट के बिजनेस को वही हैंडल कर रही थी। वो वेनेबल से डील करती है कि यदि वो उसकी फैमिली को छोड़ देगा तो वो उसके साथ चलेगी, और वेनेबल इस चीज से ऑब्वियसली मान जाता है। वो तीनों ही वैन में बैठकर जाने लगते हैं जहाँ पर कल्ट के और भी मेंबर्स थे। कुछ ही देर के बाद में वैन का एक्सीडेंट हो जाता है और जेन वेनेबल एंड उसके विलेजर्स यानी कि उस कल्ट के लोगों को मार डालती है। अब एंड में वो एंड रूथी हाथ पकड़कर घर की तरफ वापस